जब महान सिकंदर को मिला था अमृत पीने का मौका, लेकिन फिर भी नहीं पिया उसने। यहाँ जाने उसकी पूरी कहानी। जब उसे अमृत मिल गया, उसके सामने ही अमृत जल बह रहा था। वह अपनी अंजलि में अमृत को लेके पीने के लिए झुका कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो उस गुफा के अंदर बैठा था। वो सिकंदर से जोर से बोला, रुक जा, ये भूल मत करना। बड़ी ही अदयनीय अवस्था में था वो बूढ़ा आदमी। सिकंदर, तू कौन है, मुझे रोकने वाला? इस पर बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि मैं अमृत की तलाश में था और ये गुफा मुझे मिल भी गई। मैंने ये अमृत भी पी लिया, अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरने चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत, पैर गल गए हैं। देखा, अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मांझ दे, लेकिन मुझे कोई नहीं मांझ सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे मौत दे दे। सिकंदर उसकी बातें सुनकर चुपचाप गुफा से बाहर चला गया। बिना अमृत पिए ही सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए।